W3 स्कूल की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं लूप। तो उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अभी तक हमने इस सीरीज में क्या क्या सीख लिया है। तो अभी तक हमने देखिए सी में इंट्रोडक्शन सीखा हुआ है, सी का सिंटैक्स सीख लिया, सी में आउटपुट सीखा हुआ है, सी के कमेंट्स, सी के वेरिएबल्स, सी के डेटा टाइप्स, सी में कॉन्स्टेंट्स, सी के ऑपरेटर्स, सी के इफिल्स, सी में स्विच। अब हम सीखने वाले हैं सी व्हाइल लूप। तो पहले हम लूप की डिफिनेशन देखते हैं, फिर हम व्हाइल लूप देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हम फिर फॉर लूप देखेंगे और इसके अलावा हमारा जो डू व्हाइल लूप होता है वो भी देखेंगे। तो अभी देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लूप समझिए क्या है। तो आपके लिए हमने यहाँ पर थ्योरी भी यहाँ पर लिख के रखी हुई है। तो लूप देखिए क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम में किसी ऐसे खास हिस्से को मल्टीपल टाइम्स हम अगर चलाना चाहते हैं तो लूप स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। यानी कि जब हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का कोई एक खास स्टेटमेंट किसी एक खास कंडीशन के ट्रू होने तक चले, तब हम वहाँ पे लूप का यूज़ करते हैं, है ना। अभी एक आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि यदि हम मास्टरमाइंड नारायण को स्क्रीन पर मान लीजिए कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल अभी और आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में किसी ने आपको बोला कि आप मार्केट जाइए और आप वहाँ से सब्जी लेकर के आइए, आलू लेकर के आइए। तो आप एक बार गए वहाँ पर, आलू आपने खरीद करके ला के रख दिया घर में। अब इसके बाद जब वापस से आप घर में आते हैं तो फिर आपको क्या बोलते हैं कि आप दोबारा जाइए, अब इस बार दूसरी सब्जी लेके आइए। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आप एक बार आलू लेने गए तो आप दूसरी सब्जी भी उसी टाइम ला सकते थे, यानी कि आप 3-4 सब्जी आप एक टाइम पे ला सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप पहले घर आए, फिर घर के बाद आपको दूसरी सब्जी के लिए बोला गया, आप दूसरी सब्जी लाइए, फिर आप वहाँ से गए, आप मार्केट गए, फिर आपने दूसरी सब्जी ली। तो आप कर तो एक बार में ही सकते थे वो काम। अब इसी तरह से देखिए, अगर मैं स्क्रीन पर मास्टरमाइंड नारायण को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ और वो प्रिंट मैं 10 बार करना चाहता हूँ मास्टरमाइंड नारायण को, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि मैं प्रिंट ऑफ फंक्शन लगाऊं, एक बार लिखूं, फिर प्रिंट ऑफ दोबारा लिखूं, फिर प्रिंट ऑफ फंक्शन तीसरी बार लिखूं, चौथी, मतलब इस तरह से मैं 10 बार लिखूं जब वही मास्टरमाइंड नारायण, तब जा करके हमें स्क्रीन पर प्रिंट हो। तो अभी इस समय ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर मास्टरमाइंड नारायण 10 बार, अगर माजी किसी चीज़ को मैं 100 बार लिखना हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर लूप लगाते हैं। अगर 100 बार, देखिए 100 बार किसी चीज़ को एक बार प्रिंट करना वो फिर पॉसिबल नहीं है उसी को लिख लिख कर, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं लूप। अगर मान लीजिए कि मैं बोल दूँ कि मुझे 1 से 100 तक का नंबर प्रिंट करना है, तो मैं पहले एक प्रिंट ऑफ एक लिखूँगा, 2 लिखूँगा, 3 बार, मतलब कि हमें यहाँ पर 100 बार प्रिंट ऑफ फंक्शन यूज़ करना होगा। और इसी को चेंज करने के लिए हम वहाँ पर लूप का यूज़ करते हैं, ताकि हम टाइम हमें कम लगे, और किसी चीज़ को अगर वही चीज़ हमें बार बार करनी है तो हम एक लूप के अंदर लगा दें उस चीज़ को और वो चीज़ हमारी बार बार हो जाए, हमें बार बार उसको लिखना ना पड़े। अब टाइप्स ऑफ लूप में देखिए, 3 टाइप्स के हमारे लूप होते हैं। एक होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है डू व्हाइल लूप, तीसरा होता है हमारा फॉर लूप। तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप के बारे में अगर मैं बताऊँ तो व्हाइल लूप हमारा यहाँ पर आपके लिए हमने लिख करके भी रखा हुआ है। व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप में कंडीशन हमारी तब तक चलती रहती है जब तक हमारी कोड तब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है। अगर मान लीजिए कि हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तब वहाँ पे फिर व्हाइल लूप का काम खत्म होता है। फिर ऐसी स्थिति में वहाँ पे डू व्हाइल लूप एक बार हमारे कोड को जरूर एग्जीक्यूट करता है। अगर हम डू व्हाइल लूप जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ हम देख लेंगे। लेकिन हमारा जो व्हाइल लूप है, तो व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक हमारी कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है। अब देखिए, अगर मैं प्रोग्राम में चलूँ तो अगर यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर हमें नंबर प्रिंट करने हैं, और इसके लिए अगर मैं हर नंबर को जैसे 0 को अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो एक बार हमें प्रिंट ऑफ लिखना पड़ेगा, फिर दोबारा मैं प्रिंट ऑफ लिखूंगा तब जा करके 1 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा, यानी कि मतलब मुझे 9 बार ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जा करके 10 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 भी है, तब जा करके हमें 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट यहाँ पर मिलेंगी। तो अब ऐसा करने में टाइम हमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखिए क्या करते हैं कि हम यूज़ करते हैं वहाँ पे लूप, और यहाँ पर हम व्हाइल लूप देख रहे हैं। व्हाइल लूप हमारा तब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, उसके बाद फिर व्हाइल लूप हमारा बंद हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हैज इंक्लूड stdio.h के साथ हमने प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत की। दूसरी लाइन हमने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए छोड़ दी। हमने आपको पहले चैप्टर्स में ये सभी चीज़ें हमने बताई हुई आपको। फिर इंटीजर मेन हमने लिया, हमारा अपना मेन फंक्शन होता है कर्ली ब्रेस के साथ, प्रोग्राम की हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक हमने इंट लिया और वेरिएबल आई नाम से वेरिएबल लिया, और उस वेरिएबल की हमने वैल्यू क्या रख दी यहाँ पर, 0। अब 0 हमने इसलिए रखी क्योंकि हमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट चाहिए, यानी कि हमें 10 से कम डिजिट चाहिए। तो 0 से लेकर हमने आई की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 रख दी, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए, हम यहाँ पर व्हाइल लूप सीख रहे हैं, तो हमें फिर क्या करना है, हमें यहाँ पर व्हाइल लूप यूज़ करना है। मैं इसका आपको सिंटैक्स भी दिखा दूंगा।
तो व्हाइल लूप में लिखूंगा यहाँ, देखिए सिंटेक्स इसका ऐसा ही बनता है, हम यहाँ पे व्हाइल लूप लिखते हैं, फिर यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे लिखते हैं i इज लेस देन 10 हमने जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है हमारा ये कंडीशन हमारी होती है। तो व्हाइल हम लिखेंगे फिर कंडीशन लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेस क्लोज होगा और उसके बाद यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो जाती है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले सिंटेक्स एक बार बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे व्हाइल लिखूंगा, फिर व्हाइल के बाद हमारा यहाँ से कंडीशन आ जाता है, फिर कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेस स्टार्ट होगा और यहाँ पे हम अपना जो प्रिंटफ हमें प्रिंट करना होगा वो चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेस हमारा क्लोज हो जाएगा। इस तरह से हमारा कुछ इसका सिंटेक्स बनता है, आप यहाँ पर देख भी लीजिए। व्हाइल हमने लिखा और व्हाइल के बाद हमने यहाँ पर अपना जो कंडीशन हमारी थी, कंडीशन आई इज लेस देन यहाँ पे 10, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आई की वैल्यू जो है वो जब 10 से कम रहे तब वहाँ तक हमारा लूप चले और प्रिंट हो जाए, है ना। तो आई की वैल्यू 10 से कम रहेगी यानी कि 9 तक, जब 10 से कम हमारा रहे तो हमारा 9 तक जाएगा लूप और 10 में फिर नहीं चलेगा। अगर मैं इसको लेस देन और इक्वल कर दूं यहाँ पे, साथ में इक्वल का साइन भी अगर मैं लगा दूं तब ये हमें फिर 10 बार प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पर 10 डिजिट देगा, फिर हमें यहाँ पे 9 दिया है लेकिन वहाँ पर 10 तक भी जाएगा। लेकिन ये हमारा 10 से छोटा रहे तब तक के लिए हमें यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए। तो व्हाइल आई इज लेस देन 10 में दिया, फिर यहाँ से कर्ली ब्रेस हमने स्टार्ट किया। कर्ली ब्रेस के बाद देखिए यहाँ पे हमने एक प्रिंटफ फंक्शन, जैसे आपको हमने बताया कर्ली ब्रेस के बाद हमें अपने प्रिंटफ लाइन और परसेंटाइल डी, आपको पता है कि हम यहाँ पर इंटीजर के लिए हम परसेंटेज डी स्पेसिफायर हमारे जो होते हैं परसेंटेज डी हम यूज़ करते हैं और स्लैश एन हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है ताकि हमारी जो आगे जो हमारा जैसे कि टेक्स्ट प्रिंट हो, जैसे कि 0 प्रिंट होगा और फिर उसके बाद 1 प्रिंट होगा ऐसा, तो हमारे यानी कि नेक्स्ट लाइन में मूव करता चला जाए। तो परसेंटेज डी इंटीजर के लिए हमने दिया, फिर यहाँ पर स्लैश एन हमने लिया यानी कि लाइन के लिए, हमने लाइन ब्रेक के लिए, और फिर इसके बाद आई हमने यहाँ पर अपना वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो आई हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, 0, तो सबसे पहले हमारा 0 प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस हमने लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा ये इंक्रीमेंट होता है। और इसके मैं इसको आपको अलग से भी समझाता हूँ, अगर आप ये नहीं लगाएंगे आई प्लस प्लस आप अगर नहीं यूज़ करेंगे तो आपका लूप फिर कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो लूप आपका चलता ही जाएगा, इसलिए हमें आई प्लस प्लस यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें यूज़ करना है वेरिएबल के साथ में, नहीं तो लूप आपका चलता चला जाएगा, फिर रुकेगा ही नहीं लूप। फिर यहाँ पर हमारा कर्ली ब्रेस क्लोज होता है, रिटर्न 0 और यहाँ पे हमारा ये कर्ली ब्रेस आखिरी वाला क्लोज होता है। तो अब देखिए मैं इसको सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि हमारा ये जो है लूप काम कैसे करता है वो मैं आपको बताऊँ। देखिए यदि हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो कंट्रोल है वो व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर करता है और व्हाइल लूप के अंदर के स्टेटमेंट को रन करता है, जब हमारी कंडीशन अगर ट्रू होती है ना, तो व्हाइल लूप की जो हमारी बॉडी है वहाँ पे एंटर करता है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर करता है और अगर हमारा वहाँ भी सभी चीज़ें सही है तब जाकर के स्क्रीन में प्रिंट करता है। क्यों प्रिंट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन अगर सही होती तभी हमारा बॉडी में जाता है, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो फिर लूप की बॉडी में हमारा कंट्रोल नहीं जाता है। जैसे ही कंट्रोल व्हाइल लूप के अंदर जाता है और कंट्रोल फिर से व्हाइल लूप के पास चला जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर भी यूज़ किया हुआ है, तो वो व्हाइल लूप के अंदर फिर चला जाता है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करता है और कंडीशन ट्रू होती है तो फिर बॉडी के अंदर जाता है लूप और इसको प्रिंट करता है। सेम इसी तरह से फिर जाएगा, जैसे तब तक जाएगा ये जब तक हमारी इसकी वैल्यू जो है आई की वैल्यू 10 से कम रहती है, अगर 10 से ज़्यादा हो गई हमारी आई की वैल्यू तब वहाँ पे फिर हमारा कंट्रोल जो है वो बॉडी में नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होगी, यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा लूप की बॉडी में नहीं जाएगा और वहाँ पर हमारा जो है लूप वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 9 बार तक हमारी यहाँ पे 0, 1, 2 एक बार लूप यहाँ से चलता है, कंडीशन ट्रू होती देखता है, फिर यहाँ पे प्रिंट कर देता है आई प्लस प्लस जा करके प्रिंट कर दिया 0, फिर वही हमारा लूप चलता है दोबारा और वहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे चेक करता है कि क्या अभी जो आगे आने वाली वैल्यू है वो 10 से कम है, हाँ 10 से वो भी कम है, तो इसलिए हमारा लूप वापस से जाता है और वहाँ पे 1 प्रिंट करके दे देता है। फिर इसी तरह से हमारा क्या करता है, तीसरा जो चलता है तो अब फिर से वापस देखेगा कि हमारा लूप यहाँ पे चेक करे कंडीशन, हाँ अभी तो 2 प्रिंट हुआ, अभी तीसरे कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, इसके बाद आएगा लूप आई में जाएगा आई प्लस प्लस 4 प्रिंट करेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे यानी कब तक प्रिंट करना चाहिए, हमें प्रिंट करना है जब तक हमारी वैल्यू 10 से कम रहे। तो ये हमारा देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर 9 बार प्रिंट किया, 10 बार हमें प्रिंट नहीं किया, 10 बार तक प्रिंट करेगा, जब मैं यहाँ पे साथ में इक्वल का भी साइन यहाँ पे यूज़ कर दूँ तब मैं 10 बार प्रिंट करेगा, खैर वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हमारा व्हाइल लूप का सेक्शन है, तो भी इस तरह से हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो फिर वहाँ पर व्हाइल लूप का काम खत्म हो जाता है। और फिर इसके अलावा हम देखेंगे अभी डू व्हाइल लूप भी देखेंगे, फॉर लूप भी देखेंगे, और अभी तक आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कवर क्या क्या हो चुका है हमारा।
सी में इंट्रोडक्शन, सी का सिंटेक्स, सी में आउटपुट, सी के कमेंट्स, सी के वेरिएबल, सी के डेटा टाइप, सी के कॉन्स्टेंट, सी ऑपरेटर्स, सी इफ एल्स, सी में स्विच और सी का भी ये फाइल लूप भी आपका कवर हो गया। अब आगे हम देखेंगे डू व्हाइल लूप देखेंगे, फॉर लूप देखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे, एरेज देखेंगे, स्ट्रिंग, यूजर इनपुट, मेमोरी, एड्रेस, पॉइंटर्स, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले। तो अभी यहाँ पे फिलहाल लूप का काम है कि अगर हमारे किसी भी चीज़ को अगर स्पेसिफिक कोई हमारी टास्क है उसको मैं बार बार परफॉर्म करना चाहता हूँ तो हम वहाँ पर लूप यूज़ कर दे। जैसे कि आपको एग्जांपल हमने दिया कि अगर आपको किसी ने बोला कि आप सब्जी लेकर के आइए, आपने आलू लेकर के आया, फिर वापस से दूसरी सब्जी के लिए बोला, तो आप कोई भी सब्जी, दो तीन सब्जी आप एक बार में ला सकते हैं, लेकिन इसी को बोलते हैं लूप। तो वहाँ पर हम लूप का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी एक से सौ तक हमें नंबर प्रिंट करने हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रिंटअप बार बार प्रिंटअप हम 100 तक नहीं लगा सकते, प्रिंटअप 1, प्रिंटअप 2, प्रिंटअप 3, प्रिंटअप 4 ऐसा लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम वहाँ पर फिर लूप यूज़ कर लेते हैं।